शादी के दिन ऐसी गजब बेइज्जती। एहे, रहा नहीं जाता। इस आंटी को तो मैं खाने का एक नवा लाना तोड़ने दूं। म्यूजिक। देखो दूल्हे राजा को कैसी स्माइल देनी पड़ गई। वेलकम टू वोसम। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके खूबसूरत चेहरों के ऊपर एक खूबसूरत सी स्माइल ले आएगी और आप इसे काफी एंजॉय करेंगे। स्टार्ट। ये देखो सब कितने प्यारे लग रहे हैं। अब बर्थडे जो मना रहे हैं। सब बढ़िया चल रहा था लेकिन फिर एक लोंडे को एक खास किस्म का कीड़ा काट गया। इसने सारी बर्थडे पार्टी का कब्रिस्तान कर दिया। अब बहन, अगर तेरा कुत्ता तेरे से ज्यादा तेरी मम्मी से मोहब्बत करता है तो का हो सकता है। अब मोहब्बत है, किसी से भी हो सकती है। रूठने वाली का बात है। वैसे ये बताओ, घर पर कुत्ता रखना ठीक बात है या नहीं? अगर आपको मौका मिले कुत्ता रखने का तो क्या आप लोग रखोगे घर पर कुत्ता या नहीं? आसान सा सवाल है, नीचे कमेंट सेक्शन को अपने जवाबों से भर दो। एक जरा ये देखो, ये जाना तो क्या हो रहा है। पुलिस स्टेशन में इस लौंडे की 18th बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है। पुलिस वाले वेट में थे कि कब ये लौंडा 18 साल का हो, कब हम इसे पकड़ के ऐसा पेलें कि इसे याद आ जाए इसकी नानी। क्योंकि ये लौंडा है एक प्रोफेशनल चोर। ये घनचक्कर भी साला अपनी 18वीं बर्थडे के दिन ही चोरी करते हुए पकड़ा गया। बस फिर सोच लो कि ब्राजील की इस पुलिस ने इस लौंडे का क्या हाल किया होगा। इधर हम पाकिस्तानी इंडियन रोते हैं कि हमारी पुलिस बड़ी जालिम है। अबे असल सैविज तो ये निकले। अच्छा ऐसा है, गुरु के इस क्लिप में क्या हुआ वो तो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ा। अब चूंकि बच्ची टायर्ड थी, भाई ने भी देखी, तो सोचा तुम लोगों को भी दिखा दूं। ये है दुनिया का सबसे बदकिस्मत तरीन इंसान। साले के हाथ में ना शराब आई और ना शबाब। साला इतनी नल्ली किस्मत। ऊपर वाले हमें ऐसी नल्ली किस्मत से बचाना। एक मिनट, वीडियो में आगे जाने से पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो। सो प्लीज सब कर वो क्या है कि जब तुम लोग सब्सक्राइब करोगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा। ऑब्वियसली जब मेरा हौसला बढ़ेगा तो मैं इससे भी ज्यादा बेहतरीन कंटेंट तुम लोगों के सामने लेकर आऊंगा। सो सब्सक्राइब प्लीज। ये वो चरिया है जिसकी वजह से दुकानों पर बिकने वाले फर्नीचर के ऊपर लिखा होता है कि बैठने और लेटने की कोशिश मत करें। साला स्पाइडरमैन की शर्ट। अबे मोटे लड़कियां कंधों पर उठाने के अलावा भी कई चीजों से इम्प्रेस हो जाती हैं। साला गर्लफ्रेंड इम्प्रेस करने के चक्रों में अपनी हवा टाइट करवा ली। ये डॉक्टर अंकल को देख के मुझे अपने स्कूल का जमाना याद आ गया, कैसे हम लोग क्लासरूम में अपनी छींक या खांसी को रोकते थे। बट साली छींक खांसी और इश्क, अबे कहाँ छुपाए छुपते हैं। क्यों मिश्रा जी, सही बोले ना हम। इस बंदे ने एयरपोर्ट पे कुछ 600 लोगों से हाथ मिलाने की कोशिश की, एक ने भी इससे हाथ नहीं मिलाया। पता नहीं इसके मुंह पर लिखा हुआ था शायद मुझे कोरोना है। माँ कसम, मेरा कोई दोस्त गर्लफ्रेंड बन के इस किस्म का प्रैंक करे, मैं साले की कब्र वहीं पर खोद दूं। अबे जज्बात से भी खेलने की कोई सीमा होती है? कम वारे मर जाएं क्या हम? ना फिकर ना शर्म। इस शेफ भाई ने जो स्किल दिखाई है ना भाई, यकीन मानो दुनिया में शायद ही कोई दूसरा बावर्ची हो जिसके पास ऐसी स्किल हो। देखो जरा, ये का है पानी वाली गाड़ी। अबे जितना पानी इस गाड़ी के अंदर से निकल रहा है इसे तो समुंदर में जाके चला लो। ये गाड़ी कम है किश्ती ज्यादा। एक्सरसाइज करते हुए अपनी दोस्त के ऊपर फुल टाइम ट्रस्ट नहीं करने का, वरना ये बाबा रोड पर चलती हुई एक लड़की को तंग कर रहा था। ऊपर वाले ने ऐसा मजा छकाया कि लड़की छोड़ो मेरा भी हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। ये शरीफ सा बंदा जो आपको मार्केट में चलता हुआ नजर आ रहा है, अभी इसका कटने वाला है। जब भाई साहब अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए रोनाल्डो बनने चले थे, वो भी गुब्बारे के साथ, कट गया। ये मेरे जैसा वो लौंडा है जो जिम में पहले ही दिन बड़े जोश के साथ जाता है, लेकिन पहले ही दिन जिम वालों का ऐसा नुकसान करता है कि फिर मुड़कर वापस नहीं जाता। भैया जी वो सेल्फी तो खिंचवा लिए, लेकिन अब जरा गर्दन फंस गई है दरख्त के अंदर। वो अगर थोड़ी मदद मिल जाती गर्दन को निकलवाने में तो बड़ी मेहरबानी होती।
पूरे 8 बजे एटीएम का दरवाजा बंद और मैं अंदर। लेट नाइट दही या रोटियां लेने निकलो तो भैया पैसे जेब में रखो, वरना ये भी हो सकता है यह गोबर गणेश का छत्ता गिराने निकला था। देखना जरा इसने क्या क्या गिराया है। म्यूजिक कोई भी भारी चीज जैसे कि गमला, ये उठाकर एक वक्त में एक ही काम करें, वरना नो 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 नो। ये एक और आया, बार में खड़ी लड़कियों को इम्प्रेस करने चला था, बैक फ्लिप मार के हो गया, करवा ली बेइज्जती, अब निकलो भांत। अबे मेरे तो आज तक खोपड़ी में ये बात नहीं घुसी, ये लड़कियों से नूडल्स का पैकेट सही नहीं खुलता, शैंपेन की बोतल इनको काहे देते हो भाई, क्यों महंगी शराब की इतनी बिज्जती करते हो, किसी गरीब बेबड़े को वैसे ही दान कर दो। बस हाँ हो गया, आज के लिए हो गया, अब कट लो। वीडियो पसंद आई है कि नहीं सच सच कमेंट सेक्शन में बता दो। जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वजह मैंने शुरू में तुम लोगों को बता दी है। मैं भी निकलता हूँ अगला कॉन्टेंट देखना है। ओके बाय।